जी रेहान साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना, आ रही है ना। मोमिन है अभी तक? छोड़ दिया इस्लाम रेहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ईमान से नहीं हटा। तुम आजुद माजुद के लिए हमेशा के लिए। आवाज। हेलो हेलो जी, बोलिए भाई, ना। आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं, हेडफोन नहीं लगाया मैंने, अच्छा, थोड़ा मुंह के नजदीक लीजिए ना मोबाइल, थोड़ा। हेडफोन नहीं लगाया मैंने। अच्छा, मोबाइल थोड़ा करीब ले लीजिए फोटो जी, करीब के। ले लिया ना पूरा, ये तो मोबाइल ले लिया करीब। बोलिए बोलिए। अच्छा, आवाज काफी स्लो आ रही है साहब आपकी। आवाज स्लो आ रही है क्या? नहीं, जी जी एक्चुअली हाँ अभी आ रही है आपको आवाज। अभी भी वैसे ही आ रही है। ठीक है जी, क्या कह रहे थे आप? कभी नहीं छोड़ेंगे इस्लाम? जी, आवाज चली गई फिर से। क्या यार, मोमिनो तुम्हारा इंटरनेट तक ढंग से नहीं चलता, तुम्हारा ईमान क्या चलेगा कयामत तक या मौत ईमान तक? हम चलेगा चलेगा चलेगा, कुछ जरूरत नहीं अरे तो तुम्हारे थोड़ा तुम्हारे जोर से तुम्हारे बोलो। अरे थोड़ा चल दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है ये वो वाला तो नहीं है, वो एक चरसी भाई के साथ जो एक बार आए थे, वो लास्ट में अग्री किया था कि हाँ ऐसा रहेगा तो मैं उसको अच्छा इंसान नहीं मानूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है वही है, मुमरा का कर्दुल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हर लग रहा है मुझे। नशावर चीज हराम है। देखो फिर से आया रेहान भाई हमारे। जी रेहान भाई, अभी आ रही आवाज। हाँ अभी बेहतर है पहले से। हाँ देखो, मैंने जो आप लोग है ना, मेरे को बार बार अकालते हो, ये करते हो, क्या बोलते, म्यूट करते हो, जो तो आप लोगों ने जो इस लास्ट टाइम के ऊपर भी जो आयत को बताया था ना, उसका ना बहुत अलग तरीके से गलत मतलब निकाला था। कौन जो से हदीस वाला सुनाया वही जो आप मुबाशरत वाली, मुबाशरत किससे? हाँ वो जो तुमने लिखा था ना कि किसी जानवर के साथ में मुबाशरत करने से कोई गुनाह नहीं है। जानवर के साथ मुबाशरत करने में हाँ कोई जो गुनाह नहीं, इसकी जो हमने हाँ आयत कोई दिखाई थी आपने आपको। वो कुछ भी तूने बताया था ना, तूने वो तुम दोनों आजुद भाई माजुद थे, उसी के आयत बारे में बताया बात था, करते क्या लास्ट बताया था, में। कुछ हदीस बताया था शायद से, या किसने कुछ बताया था, तुम लोग ने बताया था ना, तुम तभी आजुद बताया माजुद था उसने। दोनों। अभी वो टाइम हो गया है यार, उसके बारे में तुमने बोला कि सेक्स जानवरों के साथ में सेक्स करने से कोई गुनाह नहीं होता, वो लिखा है था ना, वो बताया था। मैं तो किसी को पूछा ये भी नहीं हमने हूँ कब मैं, कहा जानवरों के साथ सेक्स करने से गुनाह नहीं होता है, कब कहा है हमने? तो तुमने एक वीडियो लगाया था, एक स्क्रीन के ऊपर कुछ तभी रखा था तुमने, आयत रखा था उसके ऊपर। भाई जब तुम किसी मौजू पे बात करने आते हो तो हाँ तुमको प्रॉपरली देख के आना चाहिए ना कि भाई ये वाली आयत आपने शो किया था या ये हदीस शो किया था और ये हाँ हदीस में ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई चलो आके मैं बात क्या करता पूछता है हूँ, या चल चलो मैं दो क्या पूछता महीना हूँ, सुन पहले ना, बताया था, दो महीना अभी पहले ऐसा नहीं, बताया होगा, कुरान दस एक बताया दिन पहले होगा? होगा, 10 दिन 12 दिन हुआ रहेगा, क्योंकि मैं तो अभी कहता अपन तो आपका इंडिया घूमते रहते, तो हाँ, बराबर तो अभी कहता एक जा पे नहीं, एक काम धंधे से घूमते। तुम्हारे ऐसा तो कुछ अपना है अभी नहीं कि थोड़ी लोगों से देर भीख पहले मांग बोल के रहे थे कमाऊ। 2 महीना पहले बताया, आप बोल रहे हो कि 10 दिन दो पहले। महीना पहले थोड़ी बोलता है, मैंने तो बोला, मैंने बोला 10 दिन पहले बताया। एक मिनट बता ना क्या ही चला यार जाएगा। एडम साहब, आपने कोई आयत बताई थी इस तरीके की कि अरे कुछ भाई तो जानवर के भी साथ सेक्स करने पे कोई गुनाह नहीं है, आपने बताई थी? हजरत, मेरे को तो याद नहीं, हमने तो। गुनाह की बात नहीं की थी, जी शरीयत बोलिए माजूद का भाई, कानून। बोलो सुन ले माजूद भाई, आपने भाई। कुछ बताया था, बताओ, अरे थोड़ा याद नहीं आ रहा क्या बस? रुकोगे? जी जी रुकिए रुकते रुकते। कौन है दोनों? आजूद माजूद है दोनों, मैं कौन से मसलक के क्या है? एक मुस्लिम उनका अपना कहना है। हाँ कौन है तुम्हारे साथ, आलिम है कोई? आलिम विलिम कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना कमजोर नहीं है कि कुछ तुम्हारी उल्टी पुल्टी बातों को एक्सेप्ट कर ले अरे कुछ इल्म इल्म ईमान। रखता है भाई वो, कोई टॉपिक पे बात कर सकता है जिसको अभी जो पूछ रहा है कौन है क्या है? हाँ इल्म तो रखता है ना वो भी, हाँ बोलिए ना। तो उसी को दो। हाँ हाँ चलो इसके, बोलिए चलो जी बोलिए। हाँ बोलिए ना, बोल भाई, बोल, आजुद कौन है? माजुद हाँ बोलो। आजूद माजूद भी तेको बोलने नहीं आता भाई, आजूद माजूद क्या मोमिन बनेगा हाँ तू? अच्छा खैर, क्या हो गया बोलिए ना। जी भाई आप नमाजें पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
अत्तयात सुना है? तो नहीं पढ़ते बट बहुत अत्तयात सुना है? अत्तयात सुना है? आप सुनाए? अच्छा मैं सुनाने के बाद आप सुनाएंगे इंशाल्लाह जरूर। ओके मैं अत्तयात सुनाता हूँ, आप फिर दरूद इब्राहिमी सुनाएंगे। ठीक है हाँ चलेगा। ठीक है ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु वस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मखराज 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 अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई 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 सुनिए ना। हां सुन रहा हूं। आपका नाम क्या है? साहिल। आगे बोल भाई। तो कोई भी करा मखरज है? मखरज से सुनाइए हजरत। अच्छा ये अत्तयात मखरज से पढ़ा जाता है? ऑफ कोर्स हर आयत मखरज से पढ़ी जाती है। कुरान नहीं पढ़ते होगा? अत्तयात आए थे? अत्तयात आए थे? अत्तयात कुरान आए थे? एक बात बताइए मुझे। नहीं नहीं अत्तयात आए थे। एक एक बात बताना, अत्तयात कुरान में है कि नहीं? नहीं है। है क्या? हां है बराबर। सुनिए सुनिए तो। नहीं कुरान में अत्तयात? सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। अच्छा सुनाओ। कुरान में है? हाँ या ना? नहीं है ना? सुनाने दो क्या कहना चाहता है, देखते हैं कितना इल्म वाला है। हाँ क्या है? सुनाइए मखरज से सुनाइए। आपने कहा कि दुआ है कुरान में है, कुरान में अत्तयात फिर ना कुरान में थोड़ी है, वो तो दुआ है ना। कुरान में है ही नहीं है? दुआ है ना वो तो। दुआ कुरान में है या नहीं है भाई, वो पूछ रहा हूँ। इसको मालूम नहीं है, ये सोच रहा हूँ बोल दूंगा तो भी फंस जाऊंगा, नहीं बोल दूंगा तो भी फंस जाऊंगा। फंस गया बच्चा, फंस गया। यानी सोचो कि भाई को ये भी नहीं मालूम है कि नमाज में रोज जो अत्तयात पढ़ रहा है वो कुरान का हिस्सा है भी या नहीं है। और भाई मखरज और तजवीद मेरे साथ खेलेंगे वो भी। चले ऐसे साहब, इसे कुरान की एक आयत दें इसे कि मखरज से ये पढ़ दे, दूसरी जोन से ये कहेगा वो आप मखरज से पढ़ देना। मखरज भाई जो टॉपिक की कुरान की आयत आयत खोले नहीं, ये मखरज से पढ़ दे, फिर साहिल जो है ना वो मखरज से पढ़ लेगा। जा वो दिन कौन सी वाली थी एडम साहब? चार की? चार की छह खोल लें। चार की छह? ओके चलो आज मखरज मखरज और तजवीद खेलेंगे। ये शेयर करते हैं भाई को, लेकिन ये तो नहीं मालूम है कि अत्तयात कुरान का हिस्सा है या नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया। जी भाई पढ़िए मखरज और तजवीद के साथ पढ़िएगा। मखरज की बात पढ़ने की बात उसकी बात, इतना जो बोलना बोल रहा था मखरज की बात भाई, कुरान की आयत मखरज और तजवीद के साथ पढ़िए, आपके सामने स्क्रीन पे है। जो जो बात किया था वो दूसरा था, मैं आया दूसरी बात करने के लिए। अरे उसको लेके आओ फिर से, भाग गया एक ही सवाल पे। हो गया अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं। तू सुना दे भाई। अरे मगर वहां पढ़ता हूँ बोलना। ओके अत्तयात सुनाओ। मैं अरे लास्ट टाइम सुनाया था ना, तो बार बार करते हो सुनाओ तेरे को क्या, कोई ये करो ये दो, मैं जो बस चीज के लिए आया हूँ। अच्छा चल के लिए ये पहले भी आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं। चल तेरा टेस्ट को मालूम है कि मैं आ चुका हूँ, वो सब है। टॉपिक बोल जिस पे बात करना है। टॉपिक को पकड़ रहा है भाई, एक तूने सुना, एक वीडियो बनाया था तूने, एक वीडियो। ओके कौन सी वीडियो बनाया था? वो दुनिया गोल है उसके ऊपर नहीं है गोल, तूने बोला बनाया था ना वीडियो, दुनिया तो गोल है इतना यार। सुन ना तूने वीडियो बनाया था, वो वीडियो प्ले करना इसके ऊपर स्क्रीन पर। अच्छा तो तूने बताया था ना नमाज पढ़ने वाला, तो ऐसा उल्टा हो के नमाज किबले वाला, वो बताना मेरे को किबले वाला। हां किबले वाला प्ले कर। अच्छा एडम साहब वो सॉरी अमित साहब वो किबले वाला जरा वीडियो लगाओ। हां लगाओ।
शॉर्ट लगा अभी वो ट्विटर पे देख के आया लगता कुरान वाला ट्विटर जी पे ना, मुझे मैं देख के अफसोस नहीं आया है हूँ, कि वो पहले आपको देख चुका हूँ इन मैं, लंगरों तुमको का वीडियो अप्लाई बनाया, पर करना इतनी पड़ता। तुम्हारी इतनी मसरूफियत नहीं है, तुम्हारे ऐसा तो क्या बोलते हैं इस्लाम और फेविया वालों की तरफ अरे तुम्हारे रुक पैसा जा आता होता, भाई, हमारे थोड़ा पैसा रुक नहीं आता जा। ना। आज भाई हमारा किबले के ऊपर हमको आज जो है ना गलत साबित करेगा। रुक जा, वीडियो आ रही है। सहल साहब, हजरत कुरान वाला जी से दिल की गहराई से जी जी माफी मांग लें आप, अरे क्यों लेकिन क्योंकि उनको ऐसे डंगरों का मुकाबला करना नहीं, इसकी वजह से तो उनको नहीं दिया है हम झेलेंगे ऐसे लोगों को। आजूद माजूद है तुम लोग आगे, याजूद माजूद ये कहां से लाया भाई तू? याजूद माजूद क्या चीज है? वो हा? कुछ चीज है, वो जो एक चीज है वो है एक चीज वो है एक चीज है वो कुछ चीज है वो है एक चीज याजूद माजूद वो शैतान है। कौन याजूद माजूद करना तू, वो करना सुनना, याजूद माजूद शैतान हो गया सुनना, वो चालू करना। याजूद माजूद पहली बार सुना भाई मैं, ये कौन है याजूद और माजूद? ऐसा लग रहा है गाली दे रहा है यार। तुम लोग दोनों का मैं नाम रखा हुआ यार, याजूद माजूद तुम लोग का नाम है। ये आजूज माजूज है, बाय द वे थिंक लुक एट व्हाट ही इज सेइंग, आजूज माजूज। अरे बाप रे, हां भाई ये वीडियो बोल रहा है सऊदी अरेबिया। हां ये वीडियो मतलब आप यहां पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, या तो इस साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहां जाएगा, यहां ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा, काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। अगर चप्पी होती धरती तो हो सकता था, धरती चप्पी नहीं है पूरी, मतलब सुना नॉर्मल करके करना है, तू डायरेक्ट भगा के एकदम करेगा तो कैसे हो गया? आप क्या कह रहे हैं कि काबे की तरफ रुक जाएगा? हाँ तो काबे की तरफ मैं कहता, तू जब तू अमेरिका में जाएगा ठीक है, तो अमेरिका में जाएगा तो काबा का सेंटर किधर है? किधर है किधर है सेंटर? किधर बीच में ना, सुन ना, काबा का भी सेंटर होता है अमेरिका। तू अभी इंडिया में, तू इंडिया के अंदर है बराबर है? हाँ इंडिया में। हाँ तो मक्का किधर है? तो अगर मैप से करेगा तो मक्का देखो, मक्के का देखो डायरेक्शन दिखाएंगे नहीं दिखाएगा? हाँ अच्छा, तो तूने किस तरीके से ग्लोब लेके आओ, ग्लोब लेके आओ, ग्लोब ग्लोब पे दिया तो दुनिया के ऊपर, मैं कहता हूँ दुनिया के ऊपर है कि काबा एकदम ऊपर है, दुनिया के ऊपर है काबा, दुनिया के ऊपर है काबा। तूने बनाया वीडियो देखना, उसके अंदर ऊपर दिख रहा है, तो क्या बोलना चाह रहा है तू वो बता। ये देख, ये ग्लोब है, बोलना क्या चाह रहा है तेरी वीडियो? अरे मैं इसके ऊपर नहीं बोलता हूँ, मैं तेरी वीडियो के ऊपर बोलता हूँ मैं। ये क्यों दिखा रहा है तू मेरे को? ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, डायरेक्ट टॉप के ऊपर लेके जाएगा क्या? तो आसमान के अंदर उड़ रहा है क्या? किधर? ऐसी बात करता है, काबा जमीन के पास, जमीन पे ऊपर थोड़ी है। तू बोलेगा तो उल्टा होगा अभी, समझ तू, सुनना अभी, तू ऊपर जाएगा किधर? ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएगा तो उल्टा ऐसा क्या आ गया क्या? किधर जाएगा? उल्टा दुनिया के ऊपर तू जाएगा तो क्या तू ऊपर उल्टा हो गया, ये करेगा क्या? नहीं हम लोग तो ऊपर जाएंगे तो उल्टा नहीं होंगे ना। दुनिया गोल, ये जो गोल गोल दिख रहा है बराबर, तू काबे को ऊपर शो करेगा और तू बोलेगा इधर नहीं जाएगा? अबे यार कैसे डंगर है तुम लोग दोनों भी, ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ है ना बे डंगर, दिमागी अपन डंगर डंगर। तू साइंस पर मैकल तो पढ़ा लिखा है क्या? तू स्कूल गया था क्या? कितना पढ़ा लिखा है रेहान? रेहान स्कूल गया था क्या? स्कूल कितना पढ़ा लिखा है? मैं जितना भी पढ़ा लिखा हो पर मेरे को समझ है ना भाई, तेरे से छोड़ा लिखा है पांचवी पहले, तू कैसा भी समझ, पर मैं क्या बोलता, दुनिया जो वर्ल्ड जो जमीन है गोल जमीन बराबर, जमीन गोल है तो जमीन तो ऊपर से आएगा तो तेरे को गोल दिखेंगी ना, तो अभी जमीन के ऊपर रहेगा तो तेरे को गोल दिखने वाली है क्या? सीधा सीधा ही रहेगा ना, पड़ता जमीन गोल होना बंद हो जाएगी। ओ देख वापस से उल्टे ही की जा निकला, तूने बता दिया भाई, काबे को ऊपर
कनाडा वाला, कनाडा वाला कैसे फेस करेगा, तो वो किबला की तरफ उसका डायरेक्शन जाएगा सीधा। अभी अभी तू किधर है? कनाडा वाले को छोड़, अभी तू किधर है? क्यों कनाडा वाले में, कनाडा में मुसलमान नहीं है? तू तू अभी किधर है? तू आए किधर अभी? कनाडा वाले को पकड़ या इंडिया को पकड़? तू इंडिया में पकड़। तू तेरा डायरेक्शन काबा की तरफ में, मोबाइल तेरा मोबाइल को डायरेक्शन, एक काम कर, कैसे होगा इसमें मैप चालू कर, मैप चालू कर, आ जाता है कर्व, गधेड़े कर्व आ जाता है, कैसे आएगा गधेड़े तू? अरे डंगर कर कैसे आएगा बता मेरे को, कर्व नहीं है दुनिया में। अरे कैसे के, मैं क्या बोलता, जब जमीन के ऊपर तू है, तू अभी तू जा चल रहा है समझ, तेरे को जाने का, तू अभी रहता किधर है? इंडिया में समझ, तू तू रहता इंडिया में रहता, तू समझ रहा, तू दिल्ली में रहता है बराबर, दिल्ली में रहता, तो दिल्ली से तू लोकेशन करेगा तेरा मुंबई की साइड में, तो तेरे को सीधा सीधा दिखाएगा ना, कहते को उल्टा उल्टा ये दिखाएगा, कहता तो गोल है, तो गोल घूमते जाना पड़ेगा। वही पूछ रहे भाई तेरे से कि हमारा डायरेक्शन काबा की तरफ कैसे सीधा हो सकता है, वही पूछ रहे थे। तू है जमीन के ऊपर, और तू जमीन के ऊपर की बात करेगा तो कैसे जमेगा बोले भाई बता। अच्छा जमीन के ऊपर है तो तुम कोई भी कंट्री को सीधा सीधा फेस कर सकते हो? तेरे तेरे हिसाब से जमीन कैसी एकदम सीधी है, कैसे उल्टी पुल्टी है? ये तेरे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या जमीन है? ये ऊपर ऊपर से दिख रही है बराबर, जो बनाने वाला जो भी है, मैं कहता जमा, हम तो मानते हैं अल्लाह ने बनाया है बराबर है, तो तेरे हिसाब से तू कुछ भी समझ, जो बनाने वाले कुदरत से उसे बनाया है तो उसको किस तरीके से बनाया, जमीन को एकदम, तू जमीन के ऊपर है तो एकदम सीधी लग रही है तेरे को, तू जमीन के ऊपर जाएगा तो तेरे को गोल दिखती है। ये बताना चाह रहे हैं, अरे बहुत अच्छा पॉइंट बताया तूने रेहान, डंगर को बिल्कुल नहीं पता है। मैं, अरे तुम लोग डंगर है, तुमने अलग तरीके से मेरे को बताया लोगों को। अरे रेहान रुक यार, एडम साहब इसने बहुत 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 वैलिड पॉइंट रेस किया है, आप मुझे पूछो कैसे, मैं पहले बताऊंगा फिर इसको लूंगा, आप पूछो कैसे। वो ऐसे के जाहिल मोहम्मद को भी इसी बात ये इसी तरह समझता था, प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली, रसूलुल्लाह का दिमाग और अल्लाह का दिमाग भी हूबहू रेहान जैसा था, हूबहू रेहान जैसा था रसूलुल्लाह का और अल्लाह का दिमाग, वो भी ऐसी समझ रहे थे जैसे रेहान समझ रहा है, कि जब आप जमीन पे हो और आप अगर सीधा देखोगे तो वो जमीन जो है वो फ्लैट हो जाएगी, वो जमीन फ्लैट हो जाएगी, यानी एकदम सीधा 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 जो है वो फ्लैट रहेगी, वो अब ग्लोब नहीं रहेगी जब आप जमीन पे हो। हाँ, जब आप जमीन से बाहर निकल जाओगे, दुनिया से बाहर चले जाओगे, तब दुनिया गोल हो जाएगी। ये बेचारे का जो दिमाग है बहुत सही कह रहा है, यही दिमाग अल्लाह और रसूलुल्लाह का था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई आप जहां कहीं भी हो आपने काबे को फेस करना है, ये आपका किबला है, आपने उस डायरेक्शन में फेस करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह को भी वही लगा था कि सपाट है, सपाट सपाट जमीन जो है, धरती जो है सपाट है। यही कहना चाह रहा ना रेहान जो मैं बोल रहा हूं? अरे आजूज माजूज है, तुम लोग दिमाग दिमाग लगाते बहुत का। अभी समझ, तू इंडिया से जाएगा किधर पे? अमेरिका जाएगा, अमेरिका को जाएगा बराबर यार, तो तू कैसा जाएगा? गोल घूम के जाएगा, गोल घूम के जाएगा। यार एक बात सुनो, तुमने कभी चूंटी को देखा? चूंटी को? हाँ चूंटी को देखा है। उसको कभी देखा है, वो बच्चों के बलून के ऊपर जब चलती है, उसको कभी चलते हुए देखा? अभी वो चीज अलग है, बलून के ऊपर चलना चीज अलग है, बट पहले बोल तो सही, कुदरत की बात हो रही है भाई रेहान, ये कुदरत की बात सिखा रहे हैं, पहले उसके जवाब तो दे। ठीक है ठीक है, हाँ चल चल, बलून के ऊपर चली, इसमें कोई कुदरत नहीं है, इट्स अ सिंपल फेनोमेना। क्या फिर क्या है, क्या है फिर बता, बता सुनेगा तो पता लगेगा ना, तो बता बता चल, तेज एक नॉलेज ले रहा हूँ, बता चल ले ले मेरी। वो उसके ऊपर क्यों चल रही होती है? क्योंकि वो इतनी छोटी है, नंबर एक बात, कि जो जमीन के ऊपर ग्रेविटी और जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसके बाद उसको फील ही नहीं होता कि वो गिर जाएगी, क्योंकि वो एयर प्रेशर है उसके ऊपर, जो कि तुम्हें समझ नहीं आनी, ऐसे मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ बट स्टिल। और दूसरा ये है कि वो इसी तरीके से जब इंसान है वो जमीन के ऊपर चल रहा है, उसको फील नहीं हो सकता ड्यू टू द एयर प्रेशर एंड ग्रेविटी कि वो फ्लैट पे चल रहा है या
کرویچر کے اوپر چل رہا ہے. There is nothing called قدرت here. It's all science. سمجھ لگی ہے کہ اوپر سے گزر گئی ہے؟ میری بابی میری بات سننا, جو چوٹی چل رہی ہے بلون کے اوپر وہ اوپر سے چل رہی ہے, اندر سے چل رہی ہے اس کے. آپ بھی اوپر ہی ہو زمین کے. سننا زمین, ارے بھائی تم بھی زمین کے اوپر, زمین کے اندر نہیں ہو. سننا ڈنگر چھپنا, بات سننا, نہیں سمجھانے ریحان چوتیا گیری نہیں ہے. ابھی عزت سے بات کرے نا, تم کو ایک چوتیا جیسا سمجھ کے ہم اچھے سے سمجھا رہے تو گستاخی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اچھے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. آپ زبردستی ڈنگر ونگر کرو گے تو پھر آپ کو پتا ہے اچھے سے, آپ پہلے سے آتے ہو کہ بات کہاں تک جائے گی. ایسے پاگل چالے مت کرو. اور آپ لوگوں نے اپنا مذاق بنا کے رکھا ہے پوری دنیا کے سامنے. یہ آپ لوگوں کا نالج اور علم ہے کہ آپ کو ایک سمپل سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جو کہ الیسٹریشن کے ذریعے سے آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ایک گلوب میں رہتے ہیں. آپ اگر یہ سائڈ ہے, اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ آپ سیدھا سیدھا نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ گھوم جائے گا پورا. اور جب آپ کو سکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے فکٹ میں, وہ بھی فری میں آپ کو نالج دیا جا رہا ہے, تو عزت سے پیش آؤ بھائی. آپ سے اچھے سے بات کر رہے نا, ٹھیک ہے ریحان صاحب؟ اچھے سے بات کر رہے. بہت بہت آپ کا شکریہ. تو ہم آپ سے شمع چاہتے ہیں, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ایسا ورڈ یوز نہ یوز کریں, ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہمارا کہنا یہ ہے, ابھی تم سمجھو یہاں سے پیدل نکلو گے, انڈیا سے پیدل نکلو گے مکہ کے لیے, تو تم الٹا گول ایسا ہوں گے کہ ایک دم سیدھا سیدھا جاؤں گے. جی تم گول جاؤ گے, گول جاؤ گے. گول کیسے گول ہوں گا بتاؤ میرے, زمین میں سیدھا لگ جائے گا نا چلتے چلتے. اچھا ریحان, ریحان بھائی تیرے کو چھوٹے بھائی کی طرح پوچھتا ہوں. اچھا سن تو صحیح, میں سمجھ رہا ہوں تیری الجھن, سمجھ رہا ہوں چھوٹے بھائی کی طرح پوچھتا ہوں. الجھن نہیں یار, بولنا. اچھا سن تو صحیح, چھوٹے بھائی کی طرح پوچھ رہا ہوں. جی بولیے بولیے بولیے. اسکول میں ارے پڑھائی کی, دیکھ جو تو گریویٹی کی بات ہے نا, وہ گریویٹی گریویٹی چھوڑ دے بھائی, صرف اتنا بتا کے معلوم ہے. پر تم جو بتا رہے نا کہ جیسا گول ایسا گھوم کے گول کہتا, ابھی تو زمین کے اوپر ہے, تو کتنا پڑھائی کیا پہلے, الٹا اوپر تھوڑی دے گا. اچھا کتنا پڑھائی کیا؟ میرا ایف وائی, ایف وائی تک کے وائی, میں ٹی وائی کا ایگزام نہیں دیا. ایف وائی ٹی وائی کا ایگزام نہیں دیا تو نے نہ, ایف وائی کلیئر ہے میرا, کہ میرے کو ضرورت لگی نہیں. ایسا میرے کو ضرورت لگی نہیں. میں کامرس سے بھی ہوں, آرٹ سے بھی ہوں, 12th تک کامرس کیا, اس کے بعد میں, اس کے بعد میں آرٹس کیا میں نے 2 سال. ہاں یہ جو گلوب ہے ارتھ از اے گلوب, یہ تو ہم کو اسکول میں ہی پڑھا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ آپ کو گلوب ابھی میرے پاس ہے نا, وہ جب میں اسٹریم کیا تھا تب میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے گلوب لے کے آیا تھا. لیکن ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھو گے آپ کے سامنے, تو یہ ہماری جو دھرتی ہے وہ ایسی ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے نا, 19-20 ایسی ہے. وہ تو اوپر سے ہے نا, ان کو لے بھائی. بول بول اوپر سے یار, اس کے لیے اوپر اور نیچے میں فرق ہے ساحل, نہیں سمجھا سکتے آپ. ارے ساحل سمجھا کیسے نہیں سکتے, ابھی تو زمین کے اوپر چلتا ہے جب پانی کا شپ ہے, جو ممبئی پورٹ سے جب ممبئی پہ اٹھ گئے. بس 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 بس, رک جا رک جا سا, ممبئی پورٹ گئے ہو؟ ہاں گیا ہو نا. اوکے تم اینڈ تک دیکھ سکتے ہو سمندر کو؟ کس کو؟ سمندر پہ اینڈ تک دیکھ سکتے ہو؟ وہ تو سیدھا سیدھا جب شیپ چلے گا. ہاں سیدھا سیدھا یار, اوئے اوئے اوئے, جہاں تک پوچھ رہا ہوں صرف وہیں تک. سیدھا سیدھا کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ پاکستان نظر آتا ہے وہاں تک؟ جہاں تک کہ دکھے گا وہاں تک کہ دکھے گا. وہاں سے پاکستان نظر آتا ہے؟ تو پاکستان کا ابھی کہتا بیچ میں ایک دم لانگ ڈسٹینس, تو پاکستان کیسے دکھے گا بندہ؟ اوکے لانگ ڈسٹینس پہ ممبئی سے ممبئی. چپ چپ, جب تیکو روکا جائے نا تو تھوڑا رک جا, کیونکہ تیکو ایک پوائنٹ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے. پلیز ایڈم صاحب کو ایز اے ٹیچر سمجھ, ابھی کو اچھا سمجھا رہے. سورج کتنا دور ہے؟ پاکستان سے زیادہ دور ہے, پاکستان سے نزدیک ہے؟ پاکستان سے نزدیک ہے, جو جیسا بھی انڈیا سے دکھے گا میرے کو ویسا وہ تو پاکستان والے کو دکھے گا لانگ ڈسٹینس پہ. یار بھائی سن سن دوبارہ سن, سورج پاکستان سے نزدیک ہے یا سورج پاکستان سے زیادہ دور ہے؟ زمین زمین ہے نا پوری,
जितनी जमीन है सब हर चीज सूरज से दूर ही चाहिए, जितना इंडिया दूर रहेगा उतना पाकिस्तान दूर रहेगा ना जमीन, या अमेरिका भी उतना ही दूर रहेगा, सब तो उतना ही दूर रहेगा ना सूरज से। मुंबई में खड़ा है, मुंबई से पाकिस्तान दूर है या मुंबई से सूरज ज्यादा दूर है? सूरज दूर है, सूरज ही दूर रहेगा ना, सूरज दूर है। ओके, तो मुझे बता, हाँ, अब मुझे बता, तू जमीन पे मुंबई में समुन्द्र के ऊपर खड़ा होके पाकिस्तान तुझे नजर नहीं आता, सूरज कैसे नजर आ जाता? सूरज तो दूर है ना एकदम। हाँ तो वो दूर भी नजर आ रहा है तो पाकिस्तान भी नजर आ रहा। जमीन से बड़ा सूरज है क्या, है क्या नहीं है? हाँ जमीन है लेकिन पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा, सूरज कैसे नजर आ रहा? जमीन घूमती है, सुनना, जमीन जमीन सूरज के पास घूमती है। अबे चुप, घूमने का छोड़, सूरज दूर नजर आ रहा है, जमीन पे खड़े होके समुंदर है, आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, सूरज क्यों नजर आ रहा है? अभी देख, सिंपल सी मतलब एक बात बोलता हूँ, सुन मेरी बात, देख सूरज जमीन से दूर है और सूरज के पास में जमीन गोल घूमती है, क्या जमीन जगह पे ऐसी गोल घूमती है? मेरे को पहले ये बता कि तेरे नॉलेज के अंदर जमीन गोल घूमती है? छोड़, तू ये बता सिर्फ, तुझे सूरज दूर से नजर आ रहा है, पाकिस्तान सर पे खड़ा है, कोई बिल्डिंग नहीं है, सामने समुंदर है, पाकिस्तान क्यों नहीं नजर आ रहा? तो सीधा सीधा तो दिखेगा ना, सीधा सीधा अगर सीधा सीधा रहेगा तो दिखेगा ना। नहीं साहिल, खत्म यार, यहाँ तो वो समझना नहीं चाहता है, उसको समझाने का फायदा क्या यार? या तो उसका आईक्यू एकदम ही डाउन है, नहीं असल में मैं समझ सकता हूँ, या तो उसको कैसा है ना कि वो सामने बैठ के वो ग्लोब ऐसा हाथ में लेके, there's nothing like that, it's impossible. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं साहिल जो they don't want to learn. अब वो देखो ना, वो बार बार बकवास करता जा रहा है, एक सिंपल सवाल है, सूरज घूमता, घूमने का क्या ताल्लुक है दुनिया के? घूमने का कोई ताल्लुक नहीं है। द होल आइडिया इज द कर्वेचर, आपकी आंखें जो है वो 4.5 किलोमीटर से आगे आपको कर्व नजर आना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स इट, उसके बाद आप देख नहीं सकते, एंड दैट्स व्हाई तुम्हें बंबई में खड़े होकर पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। बट लाइक इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज इडियट्स टू अंडरस्टैंड, बीच में कोई नहीं है, हालांकि कुछ नहीं, समुंदर है ना, समुंदर है, एंड दैट्स इट, बट दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रिहेंड, दैट्स हाउ सिंपल इट इज, सो इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। अगर कोई और बात करनी तो कर लो, इसके ऊपर इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। भाई रेहान सुनना, तू साइंस वाला मैटर छोड़ दे भाई, कुछ दूसरा टॉपिक यार, सुनना भाई, मेरे को हकीकत में हंसी आ रही है कि जब तू अगर मैप के ऊपर चलेगा सीधा सीधा स्टेट स्टेट चलेगा, तो तू स्टेट स्टेट जाएगा, चलते चलते जाएगा तो तेको काबा मिलेगा, पहुंच जाएगा, हां तू पहुंच जाएगा साहिल, नहीं ठीक है ठीक है, जो कह रहे सही है, साइंस के अलावा कोई बात करता है यार। अच्छा साइंस छोड़ दे रेहान, साइंस के अलावा कुछ बोल, कौन सा टॉपिक की बात, पर ये चीज के ऊपर तुमने गलत बोला, इसके से मैं तुमको बोला कि ये चीज तुमने गलत की। चल भाई मैं मान लेता हूँ तेरी अकल के हिसाब से मैंने गलत बोला है, मैं मान लेता हूँ, मेरी अकल के बाद क्या, हर किसी के अकल के हिसाब से तुम दोनों, मैं हर किसी की अकल नहीं, तेरी अकल के हिसाब से मैंने गलत बोला, मान लिया भाई। जब किसी के दिल में ना कोई चीज, किसी के इंसान के लिए रो या किसी के लिए भी दिल के अंदर बुराइयां रहेंगी ना, तो इंसान को उतना ही उसके बारे में बुराई सोचता है, कभी अच्छा दिखता नहीं है, इस्लाम की अच्छा ये तुम्हारे को दिखी नहीं, क्योंकि तुम लोग उसको शो नहीं करते। इस्लाम के अंदर किसी भी पड़ोसी के बारे के अंदर, पड़ोसी के आगे माँ बाप की हक है, पड़ोसी का क्या है, पड़ोसी उसके अंदर भी पड़ोसी, भाई कोई बताना, सुनना, मैं देख मैं हदीस पढ़ता हूँ, हाँ। तो देख मैं वो इतना रेफरेंस के साथ में याद नहीं रहता है, तू भी रहेगा, तू भी इतना रेफरेंस के साथ में याद नहीं रहता है। अरे बहस करने की बात नहीं है, देख मेरे को जो अच्छी चीज सीखना है मैं अच्छी चीज सीखता हूँ, अभी मेरे दिल के अंदर तेरे को बुरा बोलना चाह रहा है, पर तेरे को बुरा लग गया कुछ मेरे वर्ड, तो तू मेरी सिफारिश मेरे बारे में बोल सकता है ऊपर जाके, इसने मेरे को गलत बोला था, तू माफ करेगा तो नहीं करेगा, करा तो करा, नहीं किया तो नहीं किया, पर अच्छा चल, तेरे अंदर इंसानियत है ना, इंसानियत जरूर है, औरतों के लिए इज्जत है, तो औरतों के लिए इज्जत है ना, हर किसी को इज्जत है, इस्लाम औरतों है औरतों की इज्जत करने के लिए, ओके औरतों के लिए इज्जत है ना तेरे अंदर, एक कुरान के अंदर एक आयत नहीं है यार, वो एडम साहब ना, मुझे समझ आया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, कंटिन्यू, मेरी गलती। अच्छा रेहान एक बात बता मेरे को, कि मान ले कि तेरी बहन है, यार चल तेरी बहन मत ले, आज देख के होगा वाली बात नहीं है। अच्छा सुन,
आज तेरे को अच्छा एग्जांपल देता हूँ, चल आज तेरी बहन का ही एग्जांपल लेते, लेकिन देखने सेक्स की बात नहीं है भाई, सेक्स की बात नहीं है उसमें। मैं क्या बोलता हूँ एडम, क्या तेरी बहन के बारे में बात कर, चल जाने क्या भाई, मेरी बहन भाई, तेरी बहन मेरी बहन, चल आज ठीक है, चल ओके। तो हम दोनों की जो बहन है, तेरी बहन मेरी बहन, तो हम जो दोनों की जो बहन है, उसने क्या किया, एक लड़का पसंद किया, ओके, वो अच्छा कमाती माती है, पढ़ी लिखी है, और उसने एक लड़का पसंद किया और वो शादी कर ली, ठीक है, और शादी करके आप लोगों को इनवाइट किया कि भाई मैंने शादी कर लिया, ठीक है। अब बता कि ये जो तेरी बहन, जो मेरी बहन है, हमारी बहन, ये एक नॉर्मल लड़की मानी जाएगी या उसको हम जानी लड़की मानेंगे? जब शादी किया, उसने शादी की है, निकाह की है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? सही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब निकाह की है तो क्या प्रॉब्लम उसके अंदर? एग्जैक्टली, उसको राइट है ना कि वो अपना शौहर चुन सके, उससे शादी कर सके, चाहे हमको बता के चाहे बिना बता के, नहीं बताई चलो हम इतना बोल सकते हैं कि यार बताना चाहिए था, हम भी तेरे ही हैं। स्टार्टिंग के अंदर हर किसी का, अभी जितने मैटर होते पूरे वर्ल्ड के अंदर या समझ की दरी पकड़, बाद में सब मान लेते, बाद में माफ कर लेते, है ना, जितने मैटर होते उसमें वही होता, चूंकि अपनी बच्ची है, अपनी बहन, अपन क्या करते, ठीक है किया तो किया, अपनी बच्ची अपन अपना लेते हैं, सही बोल रहा ना, लेकिन उसका राइट है ना, वो कर सकती है, वो अडल्ट है और वो शादी अपनी मर्जी से कर सकती है, उसको हम जानिया रंडी छिनाल तो नहीं बोलेंगे ना। तो जानिया भी शादी की, निकाह की, तो जानी कैसे हो सकता, मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेगा ना, है ना, इतनी इंसानियत तो तेरे और मेरे अंदर है ना, आगे तो बढ़ भाई, आगे तो बढ़। अच्छा लेकिन समझ जा, तेरा एक दोस्त है, हाँ, तेरा दोस्त बोल रहा है कि तेरी बहन जो है ये खुद के मर्जी से इसने शादी करी, ये जानिया है, ये रंडी है, छिनाल है, उस दोस्त को तू क्या बोलेगा और क्या करेगा? अगर अगर सुनना, तेरी बहन ने तेरे दोस्त के साथ में शादी की, ठीक है, तो दूसरा, तू बोल रहा है। सुन तो सही भाई, बोलना, सुन तो सही, मैंने कहा कि जो तेरी बहन है वो मेरी बहन है, हमारी बहन ने शादी कर ली और बाद में हमको बताया, तो जो अपना जो कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, असलम, अपना कॉमन फ्रेंड असलम है, वो बोल रहा है कि रिहान की बहन जो कि साहिल की बहन है, ये जानिया है, ये रंडी है, ये छिनाल है, क्योंकि इसने शादी की अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से इसने शादी की, हाँ, तो वो उसने बोला बराबर, ठीक है, हाँ, उसको क्या करेगा तू? मैं तो उसकी गांड फाड़ दूंगा जाके, और ये भाग गया, मैं उसके दांत फोड़ दूंगा। आया आया, तो रेहान, मैं तो असलम की गांड फाड़ दूंगा जाके, तू क्या करेगा असलम को? जब असलम ने शादी किया, असलम ने नहीं कहा शादी, तो असलम ऐसा बोल रहा है, गलत किया भाई, असलम तेरा और मेरा कॉमन फ्रेंड है, हाँ, उसने बोला कि ये गलत है, वो बोल रहा है जो तेरी बहन, जो मेरी बहन है, वो बोल रहा है कि इसने अपने मर्जी से जाके शादी करी, ये जानिया है, ये जानिया है, ये रंडी है, ये छिनाल है, आप बता के, मैं तो जाके असलम की गांड फाड़ दूंगा, सुन तो सही, मैटर तो होगा ही ना, अगर कोई किसी के, तो क्या मैटर करेगा तू, मैं तो उसकी गांड फाड़ दूंगा असलम की, तू क्या करेगा? तो झगड़ा तो होगा ही ना, क्या करेगा उसको? झगड़ा ही होगा ना, और क्या होगा, झगड़ा जो होगा वो हो जाएगा, झगड़े में क्या गाली देगा कि नहीं देगा उसको? जो होता है मैटर वो होगा, जो जैसे जिसकी गांड में जैसा दम है वैसा होगा, लेकिन क्यों मैटर कर रहा असलम के साथ, क्या गलत बोला उसने? उसने अगर कोई किसी के बहन के बारे में, तेरी बहन के बारे में, किसी और के बहन के बारे में कोई किसी को बोलता है, तो मैटर करेगा ही ना, चाहे तू रहे, मैटर करना पड़ेगा ना फिर, हाँ, मैटर तो करेगा ही ना, कोई भी रहेगा, अच्छा इंसान नहीं रहेगा ना असलम, हम्म, अच्छा इंसान तो नहीं बोल सकते ना असलम, मैं तो मालूम, मैं क्या बोलता हूँ, तू ना किसी के बारे में बोलता रहेगा, पहले मेरे को ये बता
कि कहाँ पे लिखा है वो चीज के बारे में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है यार, एकदम एकदम सही बताऊंगा ले। इसने लेकिन इतना बोल दिया मैटर करेगा है, और असलम अच्छा इंसान नहीं है। मैंने तो बोल दिया मैं तो सीधा असलम की गांड फाड़ूंगा, और इसने बोला मैं मैटर करूंगा, मैटर बढ़ाए गए, ये ले। बच्ची समझ गई। माजिद भाई आज वो गर्दुल्ला भाई भी आता तो और मजा आती। लास्ट टाइम जो इसके साथ आया था ना, गांडू भाई, गांडू भाई, गांडू भाई, गांडू भाई, किधर है गांडू भाई? उर्दू में कहना है, वो उसके घर पे रहेगा। मैं तो आउट ऑफ स्टेट हूँ, मेरे महाराष्ट्र में नहीं हूँ। अच्छा, ये इंग्लिश नहीं आती तेरे को? तो उर्दू में करेगा तो बेस्ट रहेगा। अरे यार चल मैं उर्दू ढूंढता हूँ, चल तेरे लिए उर्दू रहेगा तो बेस्ट रहेगा ऐसा, क्योंकि अपनी कॉमन लैंग्वेज है ना वो। क्या तू FY करके तेरे को एक इंग्लिश नहीं आती भाई? मुंबई का रह के तेरे को इंग्लिश नहीं आ रही? नहीं आ रही ली, मैटर कर दिया ला तूने। सब आती, सब आती है, सब आता है, पर तू ये कर। ओके रुक जा एक मिनट, किधर है? एक मिनट रुक, सेफ तेरे लिए उर्दू लेके आता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, तेरा भाई जो है तुम्हारी दिमागी अपंगता दूर करने के लिए सब कुछ तुम्हारे लिए पेश करेगा, नॉलेज पेश करेगा। पेश नॉलेज करेगा, पर देख मरने के बाद में हर किसी की आंख खुलने लगी, मैं सही था गलत था जो भी है। वो तो बात की बात ना, अभी मैटर जो हो गया इधर वो तो आने चल। उर्दू पढ़ चल, उर्दू पढ़ भाई। अबू बकर अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत औरत का निकाह ना कराए, औरत औरत का निकाह ना कराए। ठीक है, औरत औरत का निकाह है तो औरत औरत का निकाह ने आगे पढ़ ले सुनना, और ना ना औरत खुद अपना निकाह करे, ना औरत खुद अपना निकाह करे, बस बदकारी वही औरत है जो अपना निकाह खुद करती है। तो सुन मेरी बात, अभी इसके अंदर अपनी अपनी निकाह खुद करती है, इसके अंदर वो चीज नहीं है तुम लोग जो सोच रहे हो, तुम लोग जो जिस बारे में बात कर रहे हो वो चीज उसके अंदर नहीं है। क्या नहीं है? क्या चीज? तूने क्या बोला कि असलम ना ये ना वो, किसी और ने कहा? सही, मैं ये तेरे को बोल रहा हूँ कि औरत खुद अपना निकाह, यानी औरत बोलेंगी कि मेरा खुद निकाह औरत के साथ में, तो साइड पे लेके जा रहे हैं। औरत के साथ नहीं निकाह, लेस्बियन की बात नहीं हो रही रे भाई। अरे औरत सुनना, औरत खुद अपना निकाह खुद कर सकती है। क्या लिखे? औरत औरत है जो अपना निकाह खुद करती है, यानी खुद अपना निकाह करती है, यानी उसके अंदर मतलब क्या? तुम लोग ना गलत मतलब निकालते। अच्छा तू मतलब बता दे, खुद निकाह करती है का क्या मतलब है? तुम लोग को ना बहुत इतने पटके मिलने वाले ना, अल्लाह माफ। रेहान क्या मतलब है इसका? औरत खुद अपना निकाह करती है, औरत खुद अपना निकाह क्या निकला है? बस बदकारी वही औरत है जो अपना निकाह खुद करती है, इसका मतलब तूने क्या निकाला? तूने क्या निकाला इसका मतलब? खुद अपना निकाह करती है, अपना अपनी अपनी शादी वो खुद से करती है। जैसे कि इंग्लिश में है, the adulteress is the one who arranges her own marriage। वो खुद अपना निकाह सेट करती है, निकाह करती है, वली को बीच में नहीं रखती, गार्जियन को बीच में नहीं रखती है, बाप को या भाई को बीच में नहीं रखती। क्योंकि देख इसके बारे में पहली वाली खुद अपनी देख, इसके अंदर ना बहुत तुम लोग जो बोलते हैं ना जलेबिया बोले शॉर्ट बोलते हैं ना, देख ये जो मसला है ना, ये जो मसला इसके बारे में एकदम जो मैं अभी पढ़ा नहीं किसके बारे में खुद की मैं तो पढ़ा था चीज के अंदर है। अरे मैं पढ़ाता हूं देख, मतलब इसके पहले वाली हदीस पढ़। तुम लोग ने क्या मतलब निकाला इसका कि औरत यानी लड़की को कुछ उसका चॉइस है कि इसका हस्बैंड ये यानी मेरे को ये लड़के से शादी करना है ये राइट है, वो चीज थोड़ी लिखा हुआ है उसके उधर, यानी खुद अपना निकाह करती वो लिखा हुआ है ना वहां पे। एग्जैक्टली, तो खुद अपना निकाह नहीं कर सकती है वो, खुद शादी नहीं कर सकती अपनी। अरे खुद खुद निकाह भी समझ दे, खुद निकाह हाँ। नहीं खुद यानी खुद निकाह मतलब क्या है उसके अंदर, मतलब कि तेरे हिसाब से क्या है? शादी कर रही है अपनी अपनी मर्जी से लिखे ला क्या उधर, मेरे को पता तो खुद शादी में अपनी मर्जी होगी ना भाई। अच्छा अपनी मर्जी बोले मतलब इसका मतलब मर्जी वगैरह लिखा है, इसमें मर्जी वगैरह लिखा है क्या बता मेरे को पहले।
आप कह रहे हो कि वो खुद की मर्जी से नहीं कर रही है, भाई बाप की मर्जी से कर रही है, तो भी वो जानिया है, रंडी छिनाले। आगे चल मैं चल दाओ, तू जो मैंने जो पढ़ा ना, वो जो पढ़ना था मेरे को पढ़ा, ठीक है, अभी आगे का मेरे को बताइए क्या है। एग्जैक्टली देख, ये हुई ना बात, अभी तेरे को समझ में आ रहा है क्या मैटर क्या है? नहीं नहीं, मेरे को देख, मैं समझ गया होगा तुम लोग किस तरह ये कर रहे हैं, क्या बोलते है। अरे बताता हूँ रे भाई, थोड़ा रुक जा, बताता हूँ थोड़ा रुक जा। ओके एक मिनट रुक, ये तेरी इसके पहले की हदीस बताता हूँ ताकि ये तेरे को समझ में आए। एक मिनट रुक, नबी करीम साहिल हजार रुपए की शर्त लगानी नहीं समझेगा इसको। हाँ लगानी हजार वो डायलर शर्त लगाते हो यार, महर। तुम लोग कभी सुनना, कभी कोई गरीब को पैसा देते तो एक मिनट यार, तू पहले यहाँ पे रुकना भाई, तेरे लिए मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, तू क्यों ऐसा कर रहा है? एक मिनट, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ यार। माजूद भाई सुनना, एडम माजूद भाई, कभी गरीब गाली सुनते जाएगा ना भाई। हजरत आदम है, ठीक है, वरना तेरे मोहम्मद को माजूद भाई, तू ना माजूद है, माजूद मोहम्मद गांडू था ना, मोहम्मद गांडू क्या बात करता है, क्या बात हरामी था ना, भैणचोद था ना, तल्ला था ना, तेरी माँ की गांड मारी थी ना मोहम्मद ने, भैणचोद कुत्ती के बच्चे साला, रंडी की औलाद, भैणचोद को समझ नहीं आती तमीज से बात किस तरह करनी है। वही वही हरकत पे आया लास्ट पे, लेकिन कह रहा हूँ तमीज से बात कर, भैणचोद समझ नहीं आती इसको। जान बुझ के किया, जान बुझ के, भागने का बहाना चाहिए था। अच्छा लेकिन आप सोचो कि कितने गए गुजरे होते यार ये लोग, इतने दिमागी अपंग, ओरे बाप रे बाप। अच्छा इधर उसको समझ में आ गया था कि बात गलत है, लेकिन मानना नहीं है। यार इन लोगों को समझ नहीं आ सकती, और वह जानबूझ के बकवास पे बकवास मारी जा रहा था और बकवास करता जा रहा था, बिकॉज लाइक ये सर वो गली बाजार के रहने वाले हरामी लोग हैं यार साहिल, यू शुड नो दैट ऑलरेडी। ये तो चरस गांजा और वो ये पंक्चर छाप भी नहीं है जन लोग, हाँ इंडिया वाले कहते ना ये पंक्चर छाप, ये पंक्चर छाप भी नहीं है, ये गली बाजार में लुटेरे किस्म के बगैरत लोग हैं भैणचोद। यानी आप इज्जत से इतनी बात की लेकिन उससे तमीज रास नहीं आ रही, इज्जत रास नहीं, हाँ उसको इज्जत तमीज रास नहीं आ रही, तो ठीक है फिर ऐसा, तो फिर ऐसे ही सही सही।